शहर के एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के गेट, ऑपरेशन थिएटर सहित गलियारों में लगे गेट तोड़ डाले। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये लोग पहले एक मरीज का इलाज कराने आए थे। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मरीज को कहीं और दिखा लें। इसके बाद गुट बनाकर 7-8 लोग पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। नानाखेड़ी के रहने वाले मधुसूदन सिंह राजपूत ने बताया कि वह निजी अस्पताल में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के आसपास एक मरीज का इलाज कराने 2 लोग आए थे। वह लोग शराब पिए हुए थे। वह अस्पताल में चिल्ला चोट करने लगे और स्टाफ से भी अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि उनके मरीज का अच्छा इलाज करो, नहीं तो तुम लोगों को गोली से मार देंगे। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बोला कि मरीज को कहीं और ले जाओ। इसके बाद वे लोग मरीज को लेकर चले गए। मैनेजर ने बताया कि शाम करीब 5 बजे अस्पताल में 8 लोग हथियार लेकर घुस आए। उनके हाथों में लाठी, डंडे, लुहांगी आदि थे। उन सभी लोगों ने अस्पताल में आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन सभी ने एक राय होकर अस्पताल के अंदर माइनॉरिटी मेडिकल स्टोर एवं अस्पताल के बाहर का कांच के गेट में तोड़फोड़ कर दी। डर के कारण वहां मौजूद मरीज और उनके अटेंडेंट छुपने की जगह तलाशने लगे। तोड़फोड़ में लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने तोड़फोड़ का विरोध किया तो वह लोग गालियां देने लगे। तोड़फोड़ की यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर आते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों ने अस्पताल के गेट और अंदर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। मैनेजर की शिकायत पर कोतवाली में 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ये लोग अज्ञात लोग हैं कि ये लोग हमारे अस्पताल में लगभग 2 बजे के आसपास आए थे फिर मरीज को लेके, तो आते ही ये लोग गाली गलौज करने लगे। उसके बाद इसको डॉक्टर साहब ने बोला दूसरे के निकालो, ये लोग चले गए उस टाइम पे। उसके बाद ये लोग आए लगभग 5 बजे। 5 बजे वक्त आने वाले लोगों तोड़फोड़ किए, तोड़फोड़ करने वाले लोग भग गए हैं। कितने लोग थे ये? लगभग 8-9 लोग हैं। 8-9 लोग हैं। क्या मामला हो गया था? मामला कुछ नहीं है, केवल पेशेंट को लेके आए थे। उस टाइम गाली गलौज कर रहे थे, दारू पिए हुए थे, तो उनको बोलिए दूसरे के निकालें। उस टाइम बोल रहे थे कि मरीज को सही से करो नहीं तो गोली मार देंगी।